दिलदार नगर के मेला मंडी में आए हैं। आज शनिवार का दिन है और जैसा ही हम आए यहाँ पे तो बाबा जी नजर आए जो तपती धूप में भैंसों को चारा वगैरह दे के अभी अभी बैठे। दो भैंस बाबा जी लाए हैं, गुलकोंडी ग्लूकोज रखे हैं, गुलकोंडी बच्चनवन के पियाते हैं। अच्छा, मतलब गर्मी में बच्चों को पिलाते हैं और आप भी पीते हैं तो हम खाते हैं। तपन बढ़ चुका है और ऐसे में श्री राम बाबा डाबर का ग्लूकोज जी पी रहे हैं और साथ में बच्चों को भी पिला रहे हैं, भैंस के बच्चों को। लीजिए संभालिए, कितना भैंस लाए हैं? आइए बाबा जी, कष्ट कीजिए, अपनी इस भैंस को दिखाइए। हाँ, इसको बढ़ाइए। श्री राम बाबा दिलदार नगर के मेला मंडी में तीन भैंसों को लेके आए थे, जिसमें से एक भैंस को बेच दिए हैं। बाकी आप लोगों के सामने देखिए दो भैंसें दिखाई दे रही है, एक ये और एक ये। ये ब्याई हुई भैंस है, लंबी भैंस है और ऊंची है, गहरी काली रंग में है। इसके चार ढाल में कहीं कोई भी कमी नहीं है। तो बाबा, इसके बारे में बताइए। दूसरे में है, दूसरे बयान में है। अब बहुत से लोग कमेंट करते हैं बाबा कि कोई ये नहीं कहता है मेला मंडी में कि तीसरी है चौथी है। वो तो ठीक है, अंदाज से कर लो जो दूसरी है। अच्छा, दूसरी है, दूसरी है ना। इसका बच्चा कितने दिन का हो गया? बच्चा 6 रोज का। एक बार इधर ले आइए, 6 रोज का बच्चा बता रहे हैं बाबा। ये सामने वाला है ना, ये बच्चा है 6 रोज का, लंबी भैंस है। इसके चार डाल में कहीं कोई भी कमी नहीं है, किसी भी माहौल और किसी भी परिस्थिति में भैंस रह जाएगी। बाबा, इसका दूध कितना होगा? जब 6 लीटर टाइम पर चल रहा है, इस समय नप रहा है 6 लीटर। जान को दे दिया। जब पूरे दूध पे होगी तो कितना हो जाएगा दूध इसका? श्री राम बाबा का कहना है कि दूध 12 लीटर होगा। है 12-13 लीटर से कम दूध नहीं होगा, ये दोनों टाइम का दूध बताया जा रहा है। बच्चा यही पाड़ा है। हाँ जी बाबा, इसका दाम क्या आप रखे हैं? दाम ठीक है। दाम दाम पे इसका 1.35 मांग रहे हैं। कितना? 1.35। 1.35 1,35,000 रुपए में इस भैंस को बाबा जी बता रहे हैं। एक लेने देने वाला बताइए। एक लेने देने वाला बहुत ज्यादा नहीं मांगे है इसको, दाम से खरीदे। दाम से खरीदे हैं? 1.25 तक हो जाएगी लगभग में। लगभग में 1 के आसपास तो ना खरीदो लो। नहीं चलो, खरीदी नहीं है। जी भाई लोग, जानकारी के लिए हम बताना चाह रहे हैं कि इस समय गांव में भी भैंसें थोड़ी महंगी मिल रही है। ऐसा नहीं कि यहीं पे भैंस महंगी है, गांव में भी 2-4 गांव जाने पे एक आध भैंस और का बन रही है। दूध में अच्छी जान करके इसको लिए हैं भाई। जब पूरे दूध पे होगी तो कितना दूध हो जाएगा? सुबह में देखना इसका बात है। कितना दूध हो जाएगा जब पूरे दूध पे होगी तो? कितना? अरे 12-13 से ऊपर करेगी, नीचे नहीं करेगी। 13-12 को इस समय है मौका पर दोनों टाइम मिलाकर। और खाने पीने में देख ही रहे हो? खाने पीने में सही है, एक्टर है खाने में तो सही है ना। जो कुछ भी डालो बादल के पच करके खाएगी। अच्छी भैंस है। अगर किसी भाई को ये भैंस चाहिए तो कल दिलदार नगर के मेला मंडी में जब आएंगे तो श्री राम बाबा के पास इस भैंस को जरूर देखेंगे। ये कल के दिन बिक्री के लिए मौजूद रहेगी। जो पहले आएगा, जो पहले बात चलाएगा, अगर तालमेल बैठेगा तो जरूर उसकी भैंस होगी। अच्छी भैंस है, मिलेगा मिलेगा तो दे देंगे।
बाबा जी इस भैंस को दिखा दीजिए। ये तो आज ही ब्याई है ना? आज ही ब्याई है, हाल ही की ब्याई, आज ही ब्याई बताई जा रही है। ये हल्की भैंस है, अब हल्की नहीं इसको कहा जा सकता है। अब जिसका बजट नहीं है तो उसके लिए तो महंगी ही है, जिसके पास पूंजी कम है उसके लिए भी ये भैंस महंगी है। नाटे कदम है, निर्धन व्यक्ति के लिए सबसे उचित भैंस। अधिकतर इस तरह की भैंसों की मांग एमपी जैसे राज्यों से होती है। एमपी के जो अधिकतर खरीदार व्यक्ति होते हैं वो अधिकतर इस तरह की भैंस खरीदते हैं। बच्चा बहुत लंबाई है इसका, पड़ा है बच्चा, पड़ा है, आज ही की ब्याई है, आज ही की सुबह की। और ब्यान कौन सा होगा इसका? अरे तीसरा होगा, तीसरा से कम नहीं होगा, तीसरा से कम नहीं होगा। अनुमान तो दूध कितना हो जाएगा इसका? बाबा जी का कहना है 4.5, 7-8 किलो दूध के आधार पे कोई भी इसकी खरीदी कर सकते हैं। तपन का समय है और ऐसे में क्या है कि जिस भैंस का दूध मान के चले टाइम का पहले 4 लीटर था तो 3 देगी। 3 नहीं देगी यार, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ बाबा जी। लंबाई साइज देख रहे हो तुम? बाबा जी लंबाई क्या करेगा, लंबाई और ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा दूध देगी, ऊंचाई भी तो मायने रखता है ना। थन तो अच्छा है, थन तो कोई खराब है ना? नहीं नहीं थन सही है बाबा जी, थोड़ा सा दूध भर गया है ना। हाँ हाँ 2-4 दिन से बाबा जी का कहना है कि टाइम का दूध ये 4-4.5 देगी है ना। हाँ अच्छी खिलाई पिलाई रही तो, लेकिन तपन का समय आ चुका है, गर्मी में पशुओं को बचाना बहुत ज़रूरी होता है। इंसान का भोजन पानी कम हो जाता है तो ये तो जानवर ही हैं, कहीं ना कहीं जानवरों के ऊपर इन भैंसों के ऊपर भी असर आ जाता है। जितने भी दुधारू जानवर हैं, जितने भी दुधारू मवेशी हैं, उनका दूध स्वाभाविक है कि गर्मी में कम होगा। श्री राम बाबा इसका भी दाम बता दीजिए ज़रा। इसका दाम 85,000। कितना? 85,000। 85,000। हाँ इसका लेने देने वाला जरा दाम बता दीजिए, लेने देने वाला 80 के लगभग। 80 के लगभग। हाँ लगभग में, अब बहुत से लगभग में उसमें भी कुछ कम होगा। अरे वो तो होगा, लगभग का मतलब यही, हाँ लगभग का मतलब यही है। नहीं नहीं सही बोले। श्री राम बाबा एक बात बताइए, अब लोगों को तो सस्ती भैंस की जरूरत होती है, तो सस्ती का लेने वाला व्यक्ति तो हमेशा चाहेंगे कि भाई कहीं ना कहीं 2 पैसा कम में मिल जाए। बात सही है, कहीं ना कहीं आपकी भी खरीदी कहीं ना कहीं तो चाहते हैं सस्ती मिले तो हमको भी लाभ हो, लेकिन मिलती कहाँ है, सस्ती नहीं मिलती है तो जो होता है उसको जोर लगा करके उसको लेना पड़ता है ना। श्री राम बाबा एक बात बताइए, अगर सीजन रहता तो ये भैंस कितने रुपए में आ जाती? इस तरह सीजन रहता तो 55 की बिक जाती। बिक जाती और आपको कितने में मिलती? आपको कितने में मिल जाती? वो तो बात उनकी 47-48 की मिल जाती। 47-48। देखिए श्री राम बाबा सत्य बोल रहे हैं, लेकिन सीजन नहीं है, इसी वजह से कहीं ना कहीं इन भैंसों का कीमत ज़्यादा है। सीजन रहता तो यही भैंस 50 के अंदर में होते, लेकिन देखिए सीजन ऑफ होने की वजह से महंगी, कहीं ना कहीं भैंसों का कीमत 20,000-30,000 ऊंचा ही है। भैंसें कब सस्ती है? नहीं अच्छी है अपने जगह पे, ये भैंस अच्छी है, छोटा गोड़ की है। हाँ छोटी गोड़ की लंबाई ज्यादा है। बाबा जी भैंसें कब सस्ती मिलेंगे, कौन सा दिन में, कौन सा महीने में? ये जुलाई से बात उनकी, जुलाई से, जुलाई से कुछ, लेकिन इतना जितना सोच रहे हैं वो बात नहीं होगी अब। अब नहीं होगी? नहीं, भैंसों की जनसंख्या कम हो गई है ना, इसलिए उतना अप डाउन नहीं होगा जितना लोग सोच रहे हैं, क्योंकि हर लोग भैंस रखना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम लोग भी जाते हैं तो कई गाँव घूमते हैं तो बहुत कम भैंस है ना, इसलिए टोल करके लेना पड़ता है। बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं रहेगा हम लोगों के समय से। हाँ जो कुछ भी बोले रामदयाल, रामदयाल उठा, चलो उठा, उठ जा, चलो चलो।
बहुत से लोगों के पास उतना पैसा नहीं है कि महंगी महंगी भैंस खरीद पाए। यहाँ देखिए ये बलिस्टर यादव हैं और बलिस्टर यादव के यहाँ एक गाभिन भैंस नज़र आ रही हो कि हल्की सी भैंस है, इसको हल्की भी नहीं कहा जा सकता है। जिसके पास इसकी कमी है उसके लिए तो ये भैंस बहुत ऊपर है। बलिस्टर चचा ये कब बच्चा देगी? बहुत मुझे से दस दिन। ये गाभिन भैंस है, इसका समय 10 रोज का बताया जा रहा है बच्चा देने में। ये जिस किसी किसान के यहाँ से भैंस आई है इसकी खिलाई पिलाई अच्छी नहीं हुई है, नहीं तो ये भैंस थोड़ी और अच्छी दिखती। इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखिए काफ़ी डाउन सा है, दबी हुई भैंस है, लेकिन अगर इसकी खिलाई पिलाई अच्छी रही तो ये भैंस अच्छी हो जाएगी। कम पूंजी वाले व्यक्ति के लिए भैंस उचित है। अभी ये भरेगी आराम से। बलिस्टर चचा इसका क्या दाम है? दाम तो मांगा था नहीं, एक 62,000। बाकी मौका पर बेचा जाए 52-53 52-53 हज़ार रुपये में इस गाभिन भैंस को बताया गया है। एक पंजा खाना करी तो देखिए 80-90 वाली फेल हो गई। बियाने के बाद दूध कितना हो जाएगा? 400 जगह का खान का कितना बा कर का दिया एक बीता थान बीता तब कितना अच्छा बनाता। आयन में थोड़ी सी अभी देखो अभी देखा भराव आएगा थोड़ा। हाँ बहुत ढगे चापी थान दिलदानगर के इस मेला मंडी में कम पूंजी में भी भैंसें मिलती है, लेकिन सभी लोगों को तो चाहिए कि अच्छी भैंस दिखाएं, है ना। लेकिन इस मेला मंडी में आप लोग 50,000 के आसपास वाली भी बहुत सारी भैंसों को ले सकते हैं। दिलदार नगर के इस मेला मंडी में एक ये मैनी भैंस, हम लोग की तरफ मैनी भैंस बोली जाती है, ये गाभिन भैंस है, बिक्री होने के लिए आई है। बहुत समय ले जाएगी तो 7-8 रोज बच्चा देने में ऐसा लग रहा है। हमें लग रहा है कि पहले में है या दूसरे में चचा? पहले में है। दांत देखे थे? दांत चचा? चार। क्या दाम है इसका? 1,20,000। 1,20,000। इस मैनी गाभिन भैंस को 1,20,000 रुपए में बताया जा रहा है। अच्छी भैंस है। बहुत से डेयरी फार्मरों को इस तरह के भैंसों की ज़रूरत होती है। ये ब्याई नहीं है, ये गाभिन है, लेकिन बहुत ज़्यादा समय नहीं ले जाएगी, ब्या जाएगी। खोला टाइप भैंस बोली जाती है, खोला भैंस। इधर ले आइए बाबू, इधर ले आइए। इसका टाइम का दूध 6 किलो से कम नहीं होगा, 6 लीटर से। हाँ 6 लीटर दूध देगी, इससे कम नहीं। ये महीन भैंस है, दूध की भैंस है, ये बहुत अच्छी भैंस है। इसको हम सोच रहे हैं कि अगर भाव से मिल जाए तो हम इसको खरीद ले, नगद पैसा दे के ले ला। कितना में लो? दे दीजिए। बोला
का दाम मांग रहे हैं इसका? 85,000। 85,000 ज़्यादा हो जाएगा चाचा? ज़्यादा नहीं, हम सोच रहे हैं कि एक भाव ताओ हो जाए तो। कितना में लगा तो दे दें भाई साहब हम? बोला बहुत अच्छे भैंस है, काल था और अलग दाम मंगाई, नया आज शनिचर है। हाँ आज बाजार थोड़ा ही है। मजाक करते चाचा को लग रहा है कि हम मजाक कर रहे हैं चाचा को लग रहा है कि हम मजाक कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि सिर्फ हम वीडियो बना रहे हैं, लेकिन आपको मालूम होगा चाचा कि हम एक आध 100 दिन में एक दिन हमारा भी आता है। कभी खरीदी कर लेते हैं, दे दीजिए भाई। रामानंद तो लगा था, फोन रखते हैं तो इनसे हाँ बहुत महीन भैंस है, हम तो कहते हैं कि तू ले ला भैंस के और नाम ले बा जे गांकी ले जे नाम ले हमार जिंदगी पर। तू तो भैंसा है बक, बहुत महीन भैंस है भाई, देखा साइज का मामूली साइज का भैंस ना। अच्छा बियाएगी तो दुबली? अरे यार बियाई तो और अच्छा लगा लगे तो के ना समझ में आओ था, आज जैसा बच्चा दे दे ना समझ में आ गई। बहुत अच्छी भैंस है, आए ना लेगा लेगा तो दे दे। हाँ बहुत अच्छी है।